ना ईसा ने दी है, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, ना मूसा ने दी है, ना किसी इल्हामी किताब ने दी है। बच्चियां वो कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाती हैं या दीगर मजहब के अंदर चले जाती हैं तो हम इसके ऊपर शोर व वेला करते हैं। वो भी शोर व वेला हम करें तब जहाँ अगर अल्लाह ताला ने यह फरमाया ना हो। कादर तो अल्लाह है, उस बच्ची का बेचारी का क्या गुनाह है अगर वो हिंदू हो गई है या मुसलमान हो गई है या क्रिश्चियन हो गई है तो ऐ मुसलमानों उस बच्ची का क्या गुनाह है। जाओ अल्लाह से लड़ो जिसने हर इल्हामी किताब के अंदर ये कहा कि मैं कादिर हूं, हर मामले पे मैं कादिर हूं। जाओ अल्लाह के ऊपर जाके वो तबर्रा करो और अल्लाह ताला से जंग करो जाके। ये दुनिया उसने बनाई है, इंसानी जिंदगी की, इंसानी कायनात की, पूरी कायनात की कमान मेरे अल्लाह के पास है। वो जिसे चाहे गुमराह कर दे, जिसे चाहे वो हदायत दे दे। ये क्या मजाक कर रखा है तुम लोग, वो सही है यार, उसका एहतराम करो, इंसान तो है ना, वो हिंदू है तो क्या हो गया यार, क्या वो अल्लाह का बंदा नहीं है, इंसान नहीं है वो, या क्रिश्चियन है तो क्या हो गया यार, ईसा भी तो हमारे नबी है। अगर वो क्रिश्चियन है उसका मजहब और है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या दर्द होता है पेट के अंदर। अजीब अजीब, अल्लाह ताला ने ऐसा कोई मैसेज कुरान पाक के अंदर नहीं दिया जिसके अंदर हम जो ऐसा अमल करें। हाँ जंगों के अंदर है, नफूज़े शरीयत के बाद जो अहमाल या जो अहकाम अंबिया किराम से साबित होते हैं, जो कुरान से या इल्हामी किताबों से साबित होते हैं, उन पर अमल करना नाजायज नहीं है, वो जायज है, वो हलाल है। मगर ऐसे अमल जो शरीयत से साबित ना होते हों, ख्वाह वो किसी भी किताब के साथ मुंसलिक हों, वो हराम है।